तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दक्ष और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डीपी एडिटिंग फॉर। तो आज मैं आपको जो अभी आपने वीडियो देखी है उसका ट्यूटोरियल बताने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए फ्रेंड, मोबाइल स्क्रीन की जब चलते हैं और ट्यूटोरियल देखते हैं कैसे बना। सो हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। ये वीडियो बनाने के लिए आपको काइन मास्टर की ज़रूरत पड़ेगी, तो काइन मास्टर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो काइन मास्टर ओपन कर लेते हैं। काइन मास्टर ओपन होने के बाद क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे एंड नो सो लगा फ्रेम सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट कर लेंगे। अब हमें सबसे पहले एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। मैं ये बैकग्राउंड ले लेता हूँ, कोई भी कलर का बैकग्राउंड आप ले सकते हैं। आज का अब हम लेयर पर क्लिक करेंगे और अपनी वीडियो सेलेक्ट करेंगे जो हमने नॉर्मल कैमरे से शूट की है। तो ये है मेरी वीडियो, अब मैं इसे सेट कर लूँगा कहाँ सही है। तो ये इतना सही लग रही है और हमें जितनी वीडियो चाहिए हम उतनी को काट लेंगे। तो मुझे यहाँ से वीडियो चाहिए, तो मैं लेयर पर क्लिक करूँगा एंड कैंची पर जाकर ट्रिम टू लैपटॉप प्ले हेड इसे कर दूँगा। अब मुझे यहाँ तक जितनी चाहिए वो मैं कर लूँगा। इधर से कैंची पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू इसे डिलीट कर देंगे। अब हमें वो वीडियो ले लेनी है जो हमें अपनी टी शर्ट पर लगानी है, तो मैं ये वीडियो सेलेक्ट करता हूँ फिलहाल में आर्टिस्ट आउट। तो हम इसे इस तरह छोटा करके अपनी टी शर्ट के साइज से एडजस्ट कर लेंगे और फिर ये थ्री डॉट पर क्लिक करके सेंड टू बैक कर देंगे। अब सेंड टू बैक करने के बाद हमें अपने वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है और हमें इसकी क्रोमा की इनेबल कर लेनी है। तो फ्रेंड्स ध्यान रहे, आपकी टी शर्ट जिस कलर की है क्रोमा की मैं वही कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना आपको। तो मेरी ब्लू है तो मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया, अब इसका एडजस्टमेंट कर लिया। फ्रेंड्स हम जल्दी से इसका एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो ये हो चुका, अब हमारी वीडियो बनकर कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम जो हमारी वीडियो में एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर लेंगे। लेयर पर क्लिक करेंगे, कैंची पर क्लिक करने के बाद ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड ऊपर भी ऐसे करेंगे। ये वीडियो हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। तेरे मेरे पास टच प्यार जो रहे सोच होना दा अंतिम संस्कार हो गया रोएगी मुकद्दर। थैंक यू फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।